हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और भाई आज 15 दिन के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी मैं पहुंचा हूं अपनी गाड़ी के पास में। भाई गाड़ी आई है अपने होटल पे और आज 15 दिन के बाद मैं जा रहा हूं वापस गाड़ी पे। सो जो भाई नया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना। और भाई व्हील कैप वगैरह का आपने बताया नहीं कमेंट करके कि कैसे लग रहे हैं गाड़ी और पीछे फट्टे वट्टे पे कलर कैसा लगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो भाई सीन ऐसा हुआ है कि मैं घर पे रुका हुआ था, 15-16 दिन हो गया मेरे घर पे रुके हुए। सो अभी मैं होटल पे आया हूँ और अपना एक टायर मतलब फट गया था, उसको चेंज किया है। तो ये देखो भाई फट्टे पे अपना कलर कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। तो अपना टायर लगा था ना, वो फट चुका है तो उसको चेंज किया है मैंने। इसके साथ वाला टायर लगा हुआ था जो आगे का उतारा था मैंने, ये टायर इसके साथ वाला फट गया तो उसकी जगह अभी लगा दिया अपन ने, जो उतार के रखे हुए थे मैंने घर पे वो वाले टायर, ये वाले। तो अभी जो फटा हुआ था वो तो भेज दिया वापस घर पे पिकअप के अंदर, घर पे डाल देते हैं क्योंकि होटल वाले, होटल पे ना टायर धूप वगैरह में रहते हैं तो सूखने का ज़्यादा टेंशन होता है। तो बने रहना पूरे ब्लॉग में और वीडियो को लाइक शेयर करना। तो अभी नरेंद्र कर रहा है गाड़ी की साफ सफाई। भाई देख लो नरेंद्र कैसे लेट लेट के सफाई कर रहा है। तो भाई अभी साफ सफाई करके और निकलेंगे। और भाई जो अलीम भाई था वो दिल्ली से ही निकल गया अपने घर को। भाई पिछले चक्कर सीन ऐसा हुआ ना, एक तो गाड़ी में कोई बत्ती वगैरह आ रही थी तो इन्होंने ही छापरा करवाई। और एक भाई जो सापट वाली घाट रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने चेंज करवाई क्योंकि भाई वो क्रेक हो गई थी। तो ये वाली जो गाटरी है ना, ये झूले पे लगी हुई है, ये देखो ये वाली नई चेंज करवाई है भाई 1500 रुपए की। ये दोनों साइड से क्रेक हो गई थी। वो गए यार, उनका छोरी को ब्याह है, उनका छोरी को ब्याह है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचने वाला हूं भाई लाल सोट। और भाई ये आज काफ़ी आगे आगे ब्लॉग बना रहा हूँ भाई, बीच में नहीं बना पाया मैं क्योंकि मैं छापरा में ग्रीस वगैरह करवाई थी। और वो जो गाटरी मैंने आपको दिखा रहा था पिछले चक्कर, तो उसको भी दोबारा से चेक करवाया था क्योंकि ये ना हल्की हल्की वाली थी। और भाई अपने स्टेयरिंग का कवर इन लोगों ने फाड़ दिया है, तो बगैर स्टेयरिंग कवर के देखो कैसा स्टेयरिंग लग रहा है। तो मैंने यूरिया वगैरह भी करवा दिया फुल। तो गाइस सीन ऐसा है कि अपना जो बैटरी लगवाई थी ना, वो बैटरी हो गई है भाई वापस से हल्की सी क्रेक। तो मैं सोच रहा हूँ कोई अगर कोई एक्सीडेंटल गाड़ी होगी या वैसे कोई गाड़ी का स्क्रेप पड़ा होगा ना, तो उसमें से बैटरी निकलवा के और जो जेन्युइन बैटरी होती है ना वो वाली लगवाऊंगा। और भाई ये आप देखो किसान भाई के लिए जा रहे हैं एमपी साइड में, पंजाब से आते हैं सरदार जी ले लेके। तो अभी क्या है गेहूँ की फसल वगैरह कटना चालू हो जाएगी। तो वो वाली काटरी ना भाई ओरिजिनल लगवाएंगे अपन, क्योंकि ये जो सेकेंड हैंड आती है ना, ये जो बाद में बनाते हैं वो क्या है हल्का हल्का वो ना लोहा कम है, कम मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है, वेट में भी फर्क है दोनों में। उसका जो कंपनी साथ में देती है उसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। तो मैं देखूँगा अगर टाइम मिल गया ना तो अगले चक्कर ये चेंज करवा दूँगा, क्योंकि भाई ये ना पूरे छापट का जो मतलब मेन पॉइंट है ना,
वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा चापट में ताकत आती है, मतलब जब भी गियर डालेंगे क्लच छोड़ेंगे हल्का फुल्का झटका भी लगेगा ना, और रबड़ पे और उसी चीज़ पे पड़ता है एकदम से गाड़ी खींचने में, तो दो चीज़ होनी चाहिए मजबूत। तो उसका दोनों का मैं आपको दिखाऊंगा कंपेरिजन करके, देखना आप बताना सर। तो अभी लाल चोट मेरे ख्याल में 10-12 किलोमीटर है यहाँ से, और नरेंद्र सो चुका है अभी। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाले हैं भाई हिंडोली, और शाम के बज चुके हैं 5:30। तो भाई ये आ गया भाई अपना होटल जहाँ पे अपन रुकते हैं हिंडोली से पहले, श्री देव नारायण ढाबा। यहाँ पे इसी साइड में खड़ी करेंगे आज, क्योंकि भैया इधर ही लगाते हैं गाड़ी। वो भाई आराम से चले जा। तो भाई ये है भाई अपना होटल श्री देव नारायण ढाबा। तो दोस्तों अभी आ गए भाई कोटा रोड पे, जयपुर कोटा रोड पे, और यहाँ हिंडोली से मैंने लिया है गाड़ी का कवर, स्टीयरिंग कवर। तो भाई ये कमेंट करके बता देना, ये थोड़ा छोटा है क्योंकि और कोई था नहीं, और पुराने वाला वो जो ड्राइवर भाई थे वो बोलते हैं मेरे से गाड़ी चलाई नहीं जाती कवर में, तो उन्होंने निकाल के ना उसको फाड़ डाला, और उनके साथ में थे अपने नरेंद्र भैया नारू किंग। तो अभी ये वाला स्टीयरिंग कवर लिया है भाई, कमेंट करके बता देना कलर वलर कैसा है। तो अभी कोटा बूंदी, अभी भाई बोल रहे हैं बूंदी वाला आरटीओ खड़ा हुआ है, अभी गाड़ी गई है एक, उससे पता लगा है हमें कि बूंदी वाला आरटीओ खड़ा हुआ है। अभी हम उस साइड रहेगा तो अपन चल चलेंगे। किधर रहेगा तो साइड मिलेगा बहुत बार उस। अरे वो सुरंग से पहले ही रहता है। अरे नहीं कई बार मेरे को यहाँ मिला यार। कहाँ पे? ये बार ये ब्रिज पार कर, ये वाला ब्रिज पार कर, ये सामने ये ब्रिज है। हाँ ये पार करके मिला कई बार, वो कुछ साइड में मिला, उसने हॉर्न भी बजाया पर मैंने नहीं रोका। तो भाई देखते हैं अगर मिलेगा तो जाएंगे, पैसे लगेंगे, अगर नहीं मिला तो निकल लेंगे, तो आगे सुरंग से पहले ही वहीं पे रोक के ना शीशे वगैरह साफ कर लेंगे, आराम से चल लेंगे थोड़ी देर रुक के। हम आके क्यों 200-400 रुपए देने उनको, नहीं भी देखते हैं आगे कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, चेक करते हैं।